नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली में आई बाढ़ और विकास कार्यों में हुई लापरवाही को लेकर बीजेपी नेताओं ने 25 जुलाई मंगलवार को सत्तारूढ़ आपके पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। आरोप है कि केजरीवाल ने सरकारी रुपए का इस्तेमाल अपने निजी प्रमोशन के लिए किया, दिल्ली के विकास के लिए नहीं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन चलाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से कहा कि केजरीवाल दिल्ली की विकास परियोजनाएं RRTS प्रगति मैदान सुरंग या महिलापुर अंडरपास को अपनी सरकार का हिस्सा मानने से क्यों मना कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने अपनी इमोशनल बातों से जनता को बेवकूफ बनाया है। दिल्ली में आई बाढ़ से सरकार की नाकामी देख सकते हैं क्योंकि उनके पास प्लान नहीं था। दिल्ली 45 साल पुरानी स्थिति में वापस आ गई है। ऐसा इससे पहले 1978 में हुआ था। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह का आरोप है कि 8 सालों ने क्षेत्रीय RRTS के लिए 445 करोड़, प्रगति मैदान सुरंग परियोजना के लिए 212 करोड़ और परिधि सड़क परियोजना के लिए 3700 करोड़ के विकास कार्यों में अपना हिस्सा नहीं दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।